हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को ऐसा वीडियो देखाने वाला हूँ जो ये वीडियो देखेगा तो इमोशनल हो जाएगा। तो गाइस, आप सभी लोग को तो जानते ही हो, पारस भाई और डाकू ने लड़ाई किया है। तो भाई क्या कर रहे हैं, अभी तक तो ये वीडियो नहीं देखी होगी, तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताना किसका गलती था और किसका नहीं था। तो प्लीज़ भाई, जिसका गलती था उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। तो गाइस, अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे पास अभी बजट नहीं था, इसलिए बेटा को घर ले आए। हमारा कौन है कमाने वाला, कोई नहीं है। एक ही बेटा है मेरा, कोई नहीं। इनकी जो वीडियो वायरल हुई थी, जो पहले आपको पता ही है कि इतना कुछ हो चुका है, अब फिर ये चीजें हुई है, ये कहना चाहूंगी कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बिना कसूरों का क्यों हो रहा है, कौन दुश्मन बना हुआ है मेरा। पहले भी आपका काफी खर्चा हुआ था, पहले भी बहुत खर्चा हुआ, बहुत ऋण कर्ज हमारे सिर पे चढ़ गया, रोटी भी बहुत मुश्किल से घर में खा रहे हैं, कौन दुश्मन लगा हुआ है। सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, अभी हमारा बेटा का कोई हल करे, कोई इनका इंसाफ करे, बस सरकार से ही कहते हैं। वो लोग कौन था और क्यों आया उनके वहां तक, तह तक पहुंचे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मोदी सरकार से भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, केजरीवाल से भी हाथ जोड़कर विनती। तो गाइस, वीडियो देखने के बाद आपको क्या लग रहा है। तो मुझे तो बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि ये तो कोई इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि यार मुझे यही बहुत दुख लग रहा है कि यार ये तो सबसे बड़ा बेटा है, उनका कोई तो भाई भी नहीं है, तो यार ये तो रोज रोटी वही खिलाता है, और इसका मतलब क्या ही बताओ यार, उसका परिवार कैसा चलेगा। तो बहुत टेंशन का बात है भाई। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके मत भूलना। इस तरीके से वीडियो मिलते रहेगी।